आज की हमारी जो टॉपिक है इस ऑनलाइन क्लासेस की वो है वीवीए की कोर्स, क्या बोलते हैं उसको, कोड कंसेप्ट, कि कोड हम कैसे लिखेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने एल्गोरिथम के बारे में बात किया था कि एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे इस्तेमाल की जाती है और क्या बेनिफिट है, और हमने माइक्रो डिक्लेरेशन के बारे में सीखा था कि हम एक माइक्रो को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए के कोड कंसेप्ट, राइट, कि कोड कंसेप्ट क्या है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास जो है, तो एक माइक्रो डिक्लेयर करता हूं मैं यहां पे। तो हमने बताया था कि चार मेन हमारे पास ऑब्जेक्ट है वीवीए के लिए, जैसे कि पहला एप्लीकेशन, दूसरा वर्क बुक्स, और तीसरा शीट्स, और चौथा रेंज। तो इन चारों से ही हमारा मोस्टली कोड स्टार्ट होता है। तो चलिए एक बार हम इसको एक 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 करके पढ़ते हैं। एप्लीकेशन थोड़ा सा है एडवांस है तो इसको छोड़ते हैं, हम तीन रेंज के बारे में बात करते हैं, वर्क बुक्स सीट्स एंड रेंज के बारे में। जैसे कि अब देखिए, अभी जो मैं बता रहा हूं कोड बता रहा हूं कि किस चीज के लिए क्या कोड होता है। जैसे कि आप बेसिक में शुरुआती जब बेसिक एक्सेल सीखे होंगे, ओपन करना क्लोज करना, उसी तरह समझिए मैं बीवीए के थ्रू आपको बेसिक एक्सेल सिखा रहा हूं। तो हम वर्कबुक की बात करते हैं। तो वर्कबुक्स को सबसे पहले बात करते हैं कि वर्कबुक्स को दो चीजों से कॉल करते हैं, वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक। तो वर्कबुक को सबसे पहले क्या करते हैं, एक नई फाइल को ऐड करना। तो लिखते हैं कि वर्क बुक्स डॉट, अगर आपने ये कोड लिखा तो आपके लिए एक नया वर्कबुक, मतलब कि कंट्रोल एन होगा, एक नया वर्कबुक आपका क्रिएट होगा। अब जो वर्कबुक क्रिएट हुआ है उस वर्कबुक को आप चाहते हो सेव एज करना, सेव एज एक अलग फाइल नेम से। तो जनरली वर्कबुक को सेव एज करने का या किसी कोड को लिखने का तरीका होता है कि वर्कबुक्स, इसमें हमने लिखा कौन सा वर्कबुक, बुक वन डॉट एक्सेल एक्स। या एक्सेल एम जो भी है, डॉट सेव एज। और कहां पे सेव करना है, तो मुझे करना है ई ड्राइव के अंदर 2018 फोल्डर के अंदर 1.xlsx जो भी रखे। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसपे आपका इवेंट होने वाला है। ये आपकी ऑब्जेक्ट की डिटेल होती है कि ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये आपका होता है एक्शन की ऑब्जेक्ट पे करना क्या है, और दूसरा होता है ये आपका एक्शन की डिटेल कि आपका ऑब्जेक्ट मतलब कि कौन सा एक्शन कहाँ पे क्या करना है। अगर हम सिंपल भाषा में समझाऊं तो वर्कबुक के बुक वन को सेव एज करना है इस सेक्शन में। समझ, तो ऐसे हम जो भी कोड लिखते हैं कुछ ऐसे ही लिखते हैं। डॉट जो होता है सेग्रीगेशन होता है, ध्यान रखिएगा, डॉट जो है सेग्रीगेशन होता है ऑब्जेक्ट और एक्शन का, या सब ऑब्जेक्ट और सब एक्शन का। इसको मेंबर बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन हम लोग एक्शन कह सकते हैं। और ब्रैकेट होता है डिटेल्स, स्पेस भी होता है सिंबल डिटेल्स का। लेकिन ये अगर हम वर्कबुक ऐड के साथ इस कोड को लिख रहे हैं तो एक गड़बड़ होगा, क्योंकि ये एक ही बार वर्क करेगा। तो जब भी हम कंट्रोल एन करते, जैसे हमने कंट्रोल एन किया तो हमारा जो वर्कबुक नया खुल के आया वो बुक वन आया पहली बार,
दूसरी बार जब मैं कंट्रोल एन करूंगा, नया वर्कबुक लूंगा, दूसरी बार बुक टू आएगा, तो आपका ये कोड एक बार चलेगा और दूसरा बार नहीं चलेगा, ठीक है? तो दूसरा बार ये कोड आपका परफॉर्म नहीं करेगा, एक ही बार परफॉर्म करेगा। तो उसका तरीका यह है कि यहां पे दो तरीके से कि वर्कबुक ऐड डॉट सेव एज इकट्ठे लिख दीजिए आप, और अब जरूरी नहीं कि सेव एज में आप एक्सटेंशन और नाम दें, अगर आप सिर्फ सेव एज लिख के छोड़ देते हैं तो आपका जो डिफॉल्ट नाम होता है जैसे बुक वन, बुक थ्री, बुक फोर, ओ, और आपका जो डिफॉल्ट सेविंग लोकेशन होता है जैसे माई डॉक्यूमेंट होता है, अभी आपने चेंज कर रखा है तो आपका चेंज क्या हुआ होगा उसमें कर देगा। तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे हमें ऐड कर हमें लिखना है, कहाँ पे न लिखने पे भी काम चल जाएगा, कहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। जब हम स्पेस मारते हैं तो ये सेव एज की बाकी डिटेल्स हैं, जैसे सेव एज करते समय क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं सेव एज के साथ, जैसे फाइल नेम डाल सकते हैं, फाइल का फॉर्मेट डाल सकते हैं, फाइल का पासवर्ड डाल सकते हैं, रीड ओनली पासवर्ड डाल सकते हैं, रीड राइट पासवर्ड डाल सकते हैं, ये सारा चीजें। तो जो बड़ी ब्रैकेट में दिख रहा है आपको ना, जो बड़ी ब्रैकेट्स में है वो आपका जो है ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट कॉल्ड ऑप्शनल। तो या फिर आप चाहो तो डाल सकते हो, एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट कर दो। तो सेम फाइल ऐड होगा सेव एज होते हुए ही, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, ऐड करके फिर सेव एज करना चाहते हैं, तो यहां पे आपका क्या होगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा, यहां हम एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज कर देते हैं, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव। एक्टिव वर्कबुक का मतलब क्या हुआ? एक्टिव वर्कबुक का मतलब हुआ कि जो फाइल हमारी एक्टिवेटेड है। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, तो अगर कोई डिफाइन ऑब्जेक्ट है तो आप नाम लिखोगे, चाहे वर्कबुक में हो, चाहे सीट में हो, चाहे रेंज में हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वर्कबुक हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायनेमिक होता है कि कुछ भी हो सकता है। तो सिचुएशन मतलब कि हमारी वो वर्कबुक एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट इज द माई सिचुएशन, तो सिचुएशन वहां पे हमने डाल दिया। इट्स क्लियर? तो ये हमारा एक्टिव वर्कबुक हो गया। तो ये इसे रूल होता है, इसी तरह से सोचना होता है और समझ के हमें कोड का यूज करना होता है। तो हमने सीखा वर्कबुक को ऐड करना, वर्कबुक को सेव एज करना, और हम जानने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वर्कबुक को जस्ट सेव करना है, क्योंकि ऑलरेडी सेव एज करने का मतलब है कि उसको आप अलग नाम लोकेशन में सेव करोगे, लेकिन सेव जस्ट कंट्रोल एस को प्रेस कर देगा। ऐसे मुझे मान लो किसी पर्टिकुलर वर्कबुक को ओपन करना है, क्योंकि मैं नई फाइल क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं किसी पुरानी फाइल को ओपन करना, तो यहां पे लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ओपन ओपन, और फिर यहां पे हम कहां से ओपन करना है उसका पूरा पाथ, फाइल नेम और एक्सटेंशन देना पड़ेगा। अगर इसमें देखिए, इसमें आगे देखिए अपडेट लिंक है, जो ये आपकी जो फाइल ओपन कर रहे हो उस फाइल को आपने किसी अनोदर फाइल से लिंकअप कर रखा है, तो जैसे आप उसको ओपन करें, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आपसे पूछता है अपडेट लिंक, ब्रेक लिंक, कैंसल, इस तरह का। अगर आपको अपडेट लिंक पे क्लिक करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे आपको रीड ओनली ओपन करना है तो ट्रू, आपको फॉर्मेट कौन सा है या पासवर्ड कोई डाल रखा है, तो इसमें मान लीजिए मुझे अपडेट लिंक नहीं करना है, मुझे पासवर्ड डालना है, तो कॉमा करके हम स्किप कर सकते हैं, देखिए बोल लो रहा है, अब मैं जो चीज डालूंगा वो रीड ओनली के इसमें जाएगा, फॉर्मेट में जाएगा, पासवर्ड में जाएगा। तो यहां मान लीजिए हमने पासवर्ड लिख दिया। पासवर्ड नंबर में तो ऐसा लिख दो, अगर पासवर्ड आपका टेक्स्ट में है तो इन द इन्वर्टेड कॉमा आपको लिखना। ध्यान रखिएगा कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको इसमें डालना है तो
इन द इन्वर्टर कमांड डालिए, अगर इन्वर्टर कमांड नहीं डालिएगा तो उसको क्या समझेगा, एक कोड समझ लेगा और एरर दे देगा, लेकिन नंबर को डालने की जरूरत नहीं है इन्वर्टेड कॉमा में। तो वर्कबुक हमने ओपन कर लिया, अगर हमने वर्कबुक ओपन किया है तो हम वर्कबुक को क्लोज भी करेंगे। तो अब वर्कबुक, अभी वर्कबुक ओपन करते समय ध्यान रखिए कि हमने ऊपर बताया कि वर्कबुक और ऑब्जेक्ट नेम एंड एक्शन एक्शन डिटेल, बट इसमें वर्कबुक है लेकिन यहाँ वर्कबुक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिटेल क्या है, नहीं वन डॉट एक्सलेस वन है वो यहां होना चाहिए था। तो इसका नियम यह है कि ए वन डॉट एक्सलेस फाइल अभी ओपन नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा कि एक्सेल जो है क्लोज की गई फाइलों को रीड नहीं करता है, जब तक ये ओपन ना हो तब तक उसके अंदर वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे ओपन होती है ऑफिस की लाइब्रेरी में वो एक्टिव होती है और फिर उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्लोज है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम वर्कबुक डॉट ओपन करते समय हम फाइल का डिटेल इधर नहीं लिख सकते क्योंकि फाइल अभी ऑफिस लाइब्रेरी में नहीं आई है, ठीक है। तो वर्कबुक डॉट ओपन और हम यहां पे वर्क यहां का इसका एक्शन डिटेल डाल दिया। उसके बाद ये तो हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा बात आती है कि अगर वर्कबुक हमने ओपन किया तो क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज करना पड़ेगा मतलब कि क्लोज करने का कोड क्या है, तो क्लोज करने का कोड या फाइल का नेम कुछ भी लिख सकते हैं डॉट क्लोज। क्लोज करते समय हम ट्रू एंड फॉल्स डाल सकते हैं। अब ऐसा क्यों, जैसे कोई पर्टिकुलर फाइल को आप क्लोज करते हैं तो आपसे पूछता है ना डू वांट टू सेव, अगर आपने सेव नहीं कर रखा है तो, अगर सेव कर रखा है तो पूछने की जरूरत नहीं। अगर यह सेव पे क्लिक करना है तो ठीक है, और नहीं तो यहां पे डॉन्ट सो पे तो उसके लिए ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो कहां पे या ट्रू एंड फॉल्स हम इसलिए डालते हैं, तो अब बात करते हैं कुछ और, जैसे कि मुझे वर्कबुक को पासवर्ड डालना है तो यहां पे हम एक्टिव वर्कबुक भी कर सकते हैं। वर्कबुक तो एक्टिव वर्कबुक कब लेना है, वर्कबुक्स कब लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक्टिव वर्कबुक जो एक्टिवेटेड फाइल और करना है, और वर्कबुक अगर कोई पर्टिकुलर फाइल आपके पास है तो वह एक्टिव वर्कबुक डॉट हम डालते हैं पासवर्ड या प्रोटेक्ट, माफ कीजिएगा प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट क्या करता है कि इसमें पासवर्ड डालिए, ये इसकी स्ट्रक्चर इसको पासवर्ड डालता है, मतलब कि जो रिव्यू के अंदर में आपके जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होते हैं ये आपका प्रोटेक्ट होता है। लेकिन आप चाहते हैं ओपनिंग पासवर्ड डालना, तो ओपनिंग पासवर्ड के लिए फिर उसके लिए आपको दूसरा चीज इस्तेमाल करना कि एक्टिव वर्क डॉट प्रोटेक्ट डॉट यहां पे
पासवर्ड होगा, पासवर्ड डाल दीजिए, सॉरी पासवर्ड इक्वल यहां डाल दीजिए। अब कंफ्यूजन यहां पे आता है कि प्रोटेक्ट स्पेस पासवर्ड, इससे ऊपर जितना भी है हमने एक्शन के लिए, एक्शन की डिटेल के लिए हमने स्पेस यूज किया है, बट यहां इक्वल यूज कर रहे हैं। क्यों? देखिए एक्शन या मेंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है मेथड, दूसरा होता है प्रॉपर्टीज, मेथड एंड प्रॉपर्टीज। तो पासवर्ड प्रॉपर्टीज है इसलिए इक्वल होता है, मेथड प्रोटेक्ट मेथड है इसलिए स्पेस है। अब दूसरा सवाल उठता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेथड है या प्रॉपर्टीज है। तो जैसे आप स्पेस मारेंगे आपको यहां पे एक्सप्रेशन दिखेगा, इसका मतलब कि ये मेथड इस स्पेस से काम चलेगा, अगर प्रॉपर्टीज से स्पेस मारोगे तो कुछ नहीं आएगा। दूसरा निशानी है जैसे आप डॉट प्रोटेक्ट करते हो तो ये जो ग्रीन कलर का सैंबल आ रहा है प्रोटेक्ट से कोई भी नॉट, आप ये जो चीज बता रहा हूं ये वर्कबुक के लिए नहीं, ये हर किसी चीज के लिए बता रहा हूं कि अगर आपने डॉट लगा के कोई एक्शन सिलेक्ट किया, अगर उसमें ग्रीन कलर का सिंबल है ये जो दिख रहा है बॉक्सेस का, इसका मतलब है कि आपका ये प्रोटेक्ट है। लेकिन जो इस तरह का जो हैंड का निशान है प्रॉपर्टी का सिंबल होता है, प्रॉपर्टी का सिंबल है इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टीज है, तो अब उस केस में आप साइन करोगे। तो पासवर्ड जो है हमने ओपनिंग पास पर डाला हुआ, ऐसे आपको अनप्रोटेक्ट करनी है तो डॉट अनप्रोटेक्ट पासवर्ड, ये आपका अनप्रोटेक्ट हो गया। ये तो हो गया कि हम अपने फाइल के ऊपर ये डाल दिए, फाइल के सेटिंग किए, लेकिन हम अगर अपने फाइल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो कैसे? अब मतलब कि प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर्टीज जो कि सेट होते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी जो कि आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि मुझे अपनी एक्टिव फाइल का नाम पता करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर इस तरह की प्रॉपर्टी जो इंफॉर्मेशन देने वाले प्रॉपर्टीज अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको स्टोरेज लोकेशन होना चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को कहां पे स्टोर करेंगे। तो इसके लिए ज्यादा हम वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड कुछ ऐसा ले लिया कि एक्स इक्वल टू यहां पे एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, एक्स के ऊपर उसका नाम इंस्टॉल हो गया। अब मुझे जहां उसका नाम चाहिए वहां पे हम एक्स इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे हम वाई इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट फुल नेम किया, तो फुल नेम में क्या होता है, अगर हमने सिर्फ नेम किया तो इसका नेम आएगा कि क्लास फाइल डॉट xlsm, लेकिन जब हम उसका फुल नेम करते हैं तो विथ पाथ ये सी ड्राइव के, डी ड्राइव के, इस फोल्डर के, इस फोल्डर के अंदर, इस फाइल में से, इस फाइल के से पूरा कंप्लीट आएगा, जैसे कि यहां पर है। ऐसे मैं मान लीजिए कि जेड ले लिया कि एक्टिव वर्कबुक डॉट पाथ, एक्टिव वर्कबुक डॉट पाथ, तो सिर्फ इसका पाथ है। इसी तरह से यहां पे आप एक्टिव वर्कबुक डॉट जो प्रॉपर्टीज का निशान वो ले सकते हैं, अगर से डॉट पासवर्ड तो पासवर्ड नहीं हो सकता है इसलिए नहीं ले सकते। तो जो इंफॉर्मेशन मिल सकता है दो तरह के होते हैं कि एक तो सेट करता है, एक इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, तो वो आपको यहां से देखने पड़ेंगे। कोड नेम, कलर्स इसे ले सकते हैं, आगे चल के इसके बारे में और हम आपको सिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जनरली हम वर्कबुक पे इतना ही करते हैं या और कुछ करते हैं? कौशल जी, प्रांत जी, विनीत जी,
यस सर, गेटिंग इट। मैं पूछ रहा था कि जनरली हम इतना ही करते हैं ना, एक फाइल के ऊपर फाइल को ऐड करते हैं, हाँ क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। हाँ, एक चीज यस, हम भूल गए, नेविगेट करना, मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना। ये तो नहीं किया ना, जैसे मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए दो फाइल है तो हम ऑल टैब में जाते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर आपकी फाइल जब तक एक्टिवेट न होगी तब तक वो उस पर कुछ नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई किसी वर्कबुक के किसी पर्टिकुलर सेल में जाके कर्सर रखना है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर फाइल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट वर्क बुक्स और इसमें उस बुक का नेम। डॉट बुक वन या बुक टू जो भी आपका है फाइल नेम डॉट एक्टिवेट। कभी कभी अगर ये काम ना करे तो आप एक और कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं विंडोज। विंडोज में आप विंडोज विंडोज में आप अपना बुक वन डॉट एम डॉट एक्टिवेट। ये बुक विंडोज किस पे काम करता है, ये आपके व्यू मेनू बार के अंदर में ये स्विच विंडो होता है ना, इसके अकॉर्डिंग से। ठीक है, स्विच विंडो जो है उसके अकॉर्डिंग से। तो वर्कबुक हम सीख गए जी। ओके, अब हम बात करते हैं शीट के ऊपर कि शीट्स को कैसे करें। तो चलिए इसके लिए अलग इसी इसी में नीचे आते हैं। विजय जी, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है कुछ, एक एन विनीत जी का है। अब यहां पे हम सब्जेक्ट डालते हैं कुछ और, आर आर स्लैश वन, एक नाम के दो मैक्रो नहीं होना चाहिए। अभी मैं कोड कंसेप्ट सिखा रहा हूं, मैक्रो बनाना नहीं सिखा रहा हूं। तो अभी तो पता होना चाहिए ना किस कोड के लिए क्या होता है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग लिखते हैं ना, कि कौन सा वर्ड का मीनिंग कौन सा होता है, तभी तो आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो पहले आप वर्ड बैंक बना रहे हैं, जिस तरह से पहले हम कोड बैंक बना रहे हैं कि हम जान रहे हैं किस काम के लिए क्या कोड होता है। ठीक है, तो यहां पे हम ये हो गया। अब बात करते हैं सीड्स। अब देखिए सीड्स को हम तीन तरह से कॉल करते हैं। सबसे पहले कॉलिंग मेथड समझिए कि पहले तो हम लिखेंगे, जैसे वर्कबुक को हम दो तरह से समझते हैं कि वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक, ऐसे सीट को हम तीन तरह से देखते हैं कि सीट्स, और इसके अंदर में हम देते हैं शीट वन जो आपका कैप्शन नेम है डॉट सेलेक्ट एक्टिवेट कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं भी रहेगा ये सीट वन पे, यहां पर है तो सीट वन पे चला जाएगा। तो सीट वन अगर ये सीट नेम चेंज करके मैं यहां पे जैन कर दिया तो फिर मुझे यहां इस सीट वन को जैन में बदलना पड़ेगा, इस सीट वन को जैन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कैप्शन एक प्रॉपर्टी नेम की जो यहां सीट वन दिख रहा है, तो अगर मैं यहां पे सीट वन डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट कर दू तो भी कर सकता हूं मैं, तो इसकी प्रॉपर्टी नेम से भी कर सकता हूं जो प्रोग्रामिंग करते समय यहां बीवीए प्रोजेक्ट बार में यहां दिखता है। एक नेम जो होता है कैप्शन नेम जो कि बाहर दिखता है, और दूसरा आपका प्रॉपर्टी नेम जो आपको प्रोग्रामर को दिखता है उससे कर सकते, और तीसरा जो होता है वो तीसरा होता है कि हम उसके सिक्वेंस नंबर से कि डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। जैसे कि दूसरे मान लीजिए कि तीसरे नंबर पे है तो पहला दूसरा, अगर मान लीजिए कि इसमें अगर ये सीट फोर यहां भी आ गया तो फर्क नहीं पड़ता है, वो काउंट करता है कि पहला एंड दूसरा।
तो पोजीशन के हिसाब से आपका वो काउंट करता है। अब सिचुएशन समझिए कि ऐसा क्यों, तो होता है क्या है कि कैप्शन नेम कब यूज करते हैं, जब मेरा सीट बार बार डिलीट हो रहा था। जैसे कि मान लीजिए कि आपका समरी सीट एक है, तो आप क्या करते हो कि पिछले महीने की डेटा को डिलीट, सीट को डिलीट कर देते हो और इस महीने की दूसरा जो है सीट क्रिएट करते हो, नाम समरी रख देते हो, तो नाम आपका फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन सीट नेम चेंज होता रहता है, समझे सर? सर ये जैन वाला समझ में आया, जो आपका जो नाम दिया है अपने सीट का, देखिए उसका वो सिलेक्ट करेगा। मैं यहां ये राज जैन इसको लेकर जाएगा। होता क्या है, जैसे जैन, अभी जैन कैप्शन नेम जैन है, तो बाहर जैन दिख रहा है, और इसकी प्रोग्रामिंग में इसकी जो प्रॉपर्टी नेम है वो सीट वन दिख रहा है, दिख रहा है ना। जी तो अगर मैंने क्या किया, जैन को डिलीट कर दिया और एक नई सीट और ऐड किया, उसका नाम मैंने जैन दे दिया, ओके okay. ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका ऊपर वाला कोड वर्क करेगा बट नीचे वाला कोड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जैसे सीट नया ऐड हुआ, जैन का प्रॉपर्टी नेम क्या हो गया, सीट फोर हो गया। जी समझे? सर तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि बार बार आपका सीट डिलीट होता रहे, बार बार आपकी सीट डिलीट होता रहे, तो उस केस में जी क्या करेंगे आप, तो उस केस में हम बात करेंगे इसका यूज करेंगे। लेकिन क्या होता है कि सीट हमारा वही होता है बट हमारा हर महीने नाम चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि जैन का रिपोर्ट अगले महीने फैब का रिपोर्ट हो जाएगा, उसके महीने मार्च का रिपोर्ट हो जाएगा, समझे? जी तो हर महीने ये अपने आप को चेंज करता है। तो उस केस में क्या होता है कि कैप्शन नेम चेंज होता रहता है बट प्रॉपर्टी नेम आपका फिक्स होता है। सर वो सीट वन डिलीट कैसे हो गया वहां पे, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड कॉलम से? हमने सीट को ही डिलीट कर दिया ना। तो मुझे लगा कि सर सीट वन सीट टू वो सीक्वेंस में हमेशा रहता है, आप डिलीट करते हो तो वो रिप्लेस कर देता है ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होता? नहीं करता है, नहीं किया ना, अभी आपके सामने नहीं किया ना। जी सर नहीं कर रहा है। ओके तो नहीं कर रहा, नहीं करता है, okay. ठीक है। तो उस केस में हम, जब आपका सीट डिलीट होता रहा है लेकिन नाम फिक्स हो तो कैप्शन नेम, अगर आपका नाम फिक्स है सीट डिलीट होते रहता है तो प्रॉपर्टी नेम, अगर आपको ना सीट नेम का पता दे है देते ना कैप्शन नेम का पता है, ठीक है। तो उसमें क्या अच्छा करेंगे, उसमें हम लेंगे ये नीचे सीक्वेंस नंबर। जैसे एक फाइल आपको ओपन, आपके एक फोल्डर है उसमें 20 फाइलें हैं, हर फाइलों का हर सीट से डेटा उठाना है। अब आपको पता नहीं उसके अंदर कितना सीट है, तो और डायनेमिक में क्या करते हैं, हम सीट को काउंट कर लेते हैं, उसके हिसाब से सही यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये सीट और ब्रैकेट में टू लिखा है, आप वो जो सेकंड सेकंड सिटी लेगा ना हमेशा पोजीशन, विथ रेस्पेक्ट टू नेम, विथ रेस्पेक्ट टू नेम,
पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ नेम। ओके ठीक है सर, ठीक है। सर वो सीट वन डॉट सेलेक्ट लिखा हुआ आपने जो सेकंड में, वो तो अभी वैलिड है ही नहीं क्योंकि आपका जो सीट वन तो डिलीट कर दिया आपने ऑलरेडी वहां से सीट से। हाँ ये अब वैलिड नहीं है, ये समझाने के साथ दिया आपको कि वैलिड नहीं है ये। हाँ अभी ओके तो उस केस में तो ये तीनों में से कोई एक लेना है। आप जब कोड करोगे उसकी उसका सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे तीनों में से कोड डालना है, ठीक है। ओके एक होता है कि जब आपका एक्टिव शीट है तो एक्टिव शीट इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्टिव शीट का मतलब फिक्स है कि जो सीट एक्टिवेटेड है वही होगा, जैसे कि अभी हमारे सामने कौन सा सीट जैन सीट एक्टिवेटेड है तो जैन में वर्क करेगा। अब सीट पे होने वाले कामों के बारे में एक बार जान लेते हैं कि सीट पे हम क्या क्या करते हैं। तो सीट पे जो हम करते हैं सबसे पहला हम करते हैं कि सीट को कॉल करना। तो जैसे यहां पे लिखा हमने कि सीट शीट्स और हमने दे दिया कि भाई मुझे जैन के अंदर जाना है तो जैन डॉट एक्टिवेट एक्टिवेट या सिलेक्ट दोनों एक ही वर्क करता है, ठीक है। ओके सिलेक्ट जो है एक से ज्यादा केसेस में यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे तीनों फाइल सिलेक्ट करने हैं एक साथ तो मैं यहां लिखूंगा शीट्स शीट्स और दूंगा एरे एरे इसके अंदर दूंगा कि सीट फोर कॉमा जैन कॉमा शीट टू जो भी है डॉट सेलेक्ट। अब यहां पे एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि एक्टिवेट जो है कोई एक पर्टिकुलर शीट होता है, ठीक है। तो यहां पे हमें सिलेक्ट देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा जैसे हम लोग कंट्रोल कंट्रोल जो हम ए करते हैं कंट्रोल करके जो सिलेक्ट करते हैं कि यहां सिलेक्ट किया कंट्रोल को सिलेक्ट करके सिलेक्ट किया तो ए काम करेगा आपका कंट्रोल के साथ, ठीक है। तो ये एरे शीट का इस्तेमाल होता है इस तरह से। तो सीट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल इसको करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मुझे सीट को ऐड करना है तो शीट्स डॉट ऐड एक नई सीट ऐड कर देगा। वो कहां ऐड करेगा तो आपके जो एक्टिव सीट है उससे पहले। ठीक है तो जहां है वहां ऐड करेगा। तो उसके लिए यहां पे अगर आप दूसरी चीज है कि सीट ऐड हो गया तो रिनेम करना तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि एक्टिव सीट डॉट नेम फिर इक्वल टू क्योंकि एक्टिव सीट डालना जरूरी क्यों है क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नाम का सीट ऐड हुआ है लेकिन इतना पता है जो ऐड हुआ है वो एक्टिवेटेड। या फिर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि सीट डॉट नेम इक्वल टू यहां पे फैल डायरेक्टली लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हमने सीट जो ऐड तो सीट ऐड हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐड जो होता है वो आपके किसमें होता है वो आपके एक्टिव शीट से बिफोर होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से सीट ऐड हो तो शीट्स डॉट ऐड
उसके बाद यहां होता है बिफोर आफ्टर, सीट से पहले और सीट के बाद। तो मैं चाहता हूं कि सबसे लास्ट में ऐड हो, तो सीट्स और कितने सीट है, तीन सीट है, तीन डाल दिया। लेकिन ये तो बिफोर है क्योंकि बिफोर एक्टिवेट थे तो बिफोर में गया, तो मैं अगर सिंगल कोड दबा दूं तो ये आफ्टर में चला जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसा लिखा हुआ है इस पे कि आफ्टर और कॉलन इक्वल टू कराओगे तो डायरेक्ट जंप कर देगा। तो ये यूज कब होता है, जब मेरे पास बहुत सारे ए हो, सब मेंबर्स के डिटेल्स हो और मुझे बीच में से किसी एक को लेना है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि तीन, अब जरूरी नहीं है कि चौथा बार चौथा हो सकता है, दस होता है, बीस हो सकता है। तो इसको डायनेमिक करने के लिए हम शीट्स डॉट काउंट का फंक्शन लगा देते हैं। शीट्स डॉट काउंट, इसका हमने फंक्शन लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये तो चल ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर शीट को ऐड हमने कर दिया आफ्टर में, और मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर शीट को डिलीट करना है, तो शीट्स जिस सीट का डिलीट करना है, जैसे मैं सीट जैन को डिलीट करना है, तो डॉट डिलीट। ठीक है, तो ये क्या होगा कि डिलीट कमांड प्रेस कर देगा, ये आपका जैन सीट पे जाके डिलीट कमांड प्रेस कर देगा। लेकिन जो पॉपअप आ रहा है ना अलर्ट, यहां पे आके माइक्रो आपका रुक जाएगा जब तक कि आप डिलीट पे काम ना करें, क्लिक ना करें। तो आप चाहते हैं कि इसका जो पॉपअप ना, तो यही एप्लीकेशन की सेटिंग है। तो मुझे इस कोड को लगाने से पहले हम अपनी सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, तो अलर्ट फॉल्स हो जाएगा और इसमें आपको फिर क्लिक करने के लिए नहीं बोलेगा, डायरेक्ट आपका डिलीट कर देगा। हो गया, तो एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स और डिलीट कर दिया। तो किसी सीट को हमने डिलीट कर दिया, लेकिन किसी सीट को कॉपी या मूव करना, जैसे मुझे सीट फोर को मूव करना है, तो सीट फोर डॉट, एक क्वेश्चन है, सर ये जो डिलीट फंक्शन आपने बताया ना, जो डिस्प्ले अलर्ट इक्वल्स टू फॉल्स, तो उसके बाद जो आपने जैन शीट दी है, अगर सपोज करिए मैंने कोई ऐसा नाम दिया जो शीट वहां अवेलेबल नहीं है, वो तो एरर हो गया, तो एरर आएगा ना, तो वो भी उस अलर्ट को डिस्प्ले में फॉल्स लेगा, वो एरर शो हुआ है बग में, फिर अलर्ट तो नहीं हुआ, अलर्ट और एरर में डिपेंड है ना। अच्छा बग हो गया मतलब, जैसे देते हैं ना आप, यहाँ पे हमने डिलीट किया अलर्ट, मतलब जिसपे इस तरह का सिंबल लगा हुआ दिख रहा है, दैट कॉल अलर्ट जी, एज ए सीट वाले चीज नहीं आएंगे। ठीक है, ओके जी। तो अगर मैंने सीट फोर डॉट मूव कर दिया, तो क्या करेगा कि सीट फोर को एक नई फाइल में मूव कर देगा, कट करके पेस्ट कर देगा पूरा का पूरा एक नई फाइल में। लेकिन मुझे इसी पर्टिकुलर फाइल में करना है, तो मुझे उसका नाम बताना पड़ेगा कि सीट्स किस सीट से पहले या किस सीट के बाद, यहां पे अपने इस मेथड कॉलिंग मेथड पे यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से मूव, यहां पे दिया सीट फोर डॉट कॉपी, माफ कीजिए कॉपी, अगर मैंने कॉपी करके छोड़ दिया तो पूरा का पूरा सीट को एक नई फाइल में कॉपी कर देगा, लेकिन इसी फाइल में किसी अनुरोध किसी से पहले किसी के बाद करना है तो यहां पे आपको उसका मूव देना पड़ेगा। फिर बारी आती है सीट को हिडन करने की, तो सीट फोर डॉट विजिबल इक्वल टू, इसमें तीन चीजें हैं, सीट हिडन, आपने सीट हिडन कर दिया तो नॉर्मल हिडन होता है, मतलब जैसे कि राइट क्लिक करके हम हाइड कर देते हैं ना, फिर वापस राइट क्लिक करके हम अनहाइड कर सकते हैं, ये होता है। लेकिन अगर मैंने सीट फोर डॉट विजुअल में हमने वेरी हिडन सेलेक्ट कर लिया, तो उस केस में क्या होगा कि आप यहां से जनरली राइट क्लिक करके अनहाइड नहीं कर सकते,
आपको अनहाइड करने के लिए भाई है तो विजुअल का कोड लिखना पड़ेगा कि सीट फोर डॉट विजुअल इक्वल टू सीट विजुअल, या फिर उस पर्टिकुलर सीट की सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाके यहां से विजुअल करना पड़ेगा, मतलब कि वीवीए पे आना ही पड़ेगा आपको विजुअल के लिए। अब सीट को पासवर्ड डालना है तो सीट फोर डॉट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट और यहां पे पासवर्ड, और उसके अलावा ये सारे ऑप्शंस है। जैसे कि आप किसी सीट को प्रोटेक्ट सीट करते हैं तो प्रोटेक्ट सीट में देखिए ये सारे चेक बॉक्स है, तो ये चॉइस चेक बॉक्स दिख रहे हैं आप किस पे क्लिक करना है किस पे क्लिक नहीं करना है आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। वापस इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो देन ऑल्सो अनप्रोटेक्ट यहां पे आप पासवर्ड डाल दीजिए, ये आपका अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। तो जनरली सीट पे हम इतना ही काम करते हैं कि हम सीट ऐड करते हैं, सीट को रिनेम करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, मूव करते हैं और भी हाइड अनहाइड करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है सर। तो हमने दो मेंबर दो को पढ़ा, सीट्स को पढ़ा और हमने रेंज को पढ़ा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि अगला जो है रेंज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूछिए क्यों, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं वो हम रेंज पे करते हैं। हमें मान लीजिए कॉपी करना है, हमें पेस्ट करना है, हमें कुछ भी करना है, पिवट लगा दिया, पिवट लगा दिया है, फिल्टर लगाना है, चार्ट लगानी है, हम एक रेंज पे लेते हैं। तो रेंज इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसके बारे में हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे, क्योंकि तो ज्यादा सर के ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा।